मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे? उम्मीद करती है सब मजे में होगे। तो सुबह सुबह ना एक पंगा तन्नू करने लग रही, क्योंकि मैंने तो कसी आज उठानी नहीं। और तन्नू देख लो सुबह सुबह क्या कर रही है, ये देख लो। पागल है पूरी भर कसी को। हाँ ऐसे ऐसे, हाँ बस, हाँ इस तरह, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कर रही है। गाइस इधर मम्मी अब सुन रही है कहानी। कितने बजे? कमोई में घर छोड़ के आई, उनकी पूजा करूंगी जाकर। हाँ जल्दी के चक्कर में कमोई बुलाए, क्योंकि है ना इतने लेट हो गए थे हम इतने ज्यादा, कि एक तो घर का काम नहीं बना रखी है। दो कमोई रख ले, ये ले लो। घर जाके उनका क्या करोगे अब? तो वो बता दो, तो नहीं की लग गई माती देऊंगी एक तो। अच्छा अरे केलो ले आई दीदी, बेटा तोड़ एक तो बामणी दी देना है। हां माती देऊंगी एक तो। कथा एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार और कपड़ों की तय मना कर दी है। बहुत सारे कपड़े थे, मैं लगी थी 5:30 बजे, 6:30 बज चुके हैं। और तन्नू बना रही है रोटी, और मैं बनाऊंगी सब्जी। तन्नू ने अपनी चटनी रोटी बना ली है, और मैं सब्जी सब्जी बनाऊंगी मेरी मेरी। और तन्नू ने अपना खाना बिल्कुल रेडी कर लिया, और तारे निकलेंगे ना तो मैं पानी दे के, और शायद पानी तो मैंने देना नहीं आज, वैसे ही धोख मार लूंगी। और ये देख लो पूरा एकदम बेड खाली कर दिया मैंने, इतने कपड़े थे, इतने कपड़े थे। इसी चादर भी धो दी, और वो भी मैंने आज धोया है, तकिए वगैरह सब कुछ धो के तन्नू की ड्रेस प्रेस करके उधर रख दिया मैंने सुबह डालने के लिए, क्योंकि सुबह लेके बैठ जाती है प्रेस करने के लिए, मैंने पहले ही रख दिया आज। ये मैं सब बना रही है रोटियां 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 है रोटियां। अच्छा यालू किस लिए चीर दिया भाई तूने आज? आपको मैं तो वो कर लेती, घिया की बना लेती थोड़ी सी, अभी तो आप करते ना। मैं तो घिया बना लेती बेटा। फिर इधर मैंने गोभी की सब्जी बनाई थी, पर इसका दलिया निकल गया, 3 सीटी आ गई, मैं फोन में लगी। और ये मेरा थोड़ा सा दूध, और वो तन्नू ने अपनी ले रखी रोटी, देख लो चटनी खानी है? नहीं तू तू खा ले भाई तन्नू जी। मैं सो चुकी थी, और लव की मम्मी ना आकर ने दरवाजे खटकाए, कई देर से बोल ले गई, फिर इसने फोन किया बेटे से। मैं तो नींद में पागल हो गई थी, क्योंकि यार बहुत जल्दी सो गई थी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही मुंह पे। आपकी आवाज तो आ गई थी मेरे को, आप जब बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे ना, मेरे को आवाज तो आ गई थी। आप वो मैं भी करूँ इस टाइम तक स्टाइल बनाते रहते हो? मैं स्टाइल नहीं, मैं तो बहुत थक गई थी आज। आज हो गई थी मुका तन्नू, मैं सो रही बेटा। और लव आया इधर लेने के लिए लव की मम्मी को। अरे लव और आज हमने ना इतना बढ़िया शूट करना था, लव के इतने फोन आया टी करे करे। माँ भाई आज हिम्मत नहीं है, जब कुछ हो जाओ। आज इतने बिजी हो रहे, आज इतने बिजी की आज मेरे न कुछ जीवन में एक ना एक पंखा होया रहा है। 4 घंटे आज मैं छुट्टी, आज अच्छा काम हो गया, पानी आ गया, वो तो गया। छुट्टी हो ना जब मेरा जीन पंखे हो जाए। आज मैंने बिजली का काम करवाया, उसका करवाया है, फिर मैंने छुट्टी हो गई तो एलईडी लगवानी है, एलईडी लगवाने की सोच रही हूँ मैं। तो एलईडी लाई तो हाँ टाइम है आपके पास? वही तो, वही तो तन्नु पता है, तन्नु मेरी सारी सोचती रहा हूँ। कम मत लगवा, क्यों 10,000 रुपए खोल? वही तो 10 के 40,000 रुपए बात 40,000 10,000 की नहीं है, बात यह है टाइम की। आपके पास दुखन लग गया, मैं हो चुकी हूँ रेडी। क्या जाना है डॉक्टर के पास हिसार? तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी रेडी हो रही है। मैंने शर्ट पहनी है, बहुत प्यारी लग रही है शर्ट। पूजा आंटी लाई थी दिल्ली वाली, जानते होगे जो यहाँ पे रुक के गई थी घर पे। अब पता नहीं पूजा आंटी दोबारा कब आएंगी, कई दिन हो गए उनसे बात करे भी, उनका फोन आया था परसों, उस टाइम बिजी थे। क्या बाते? हाँ ब्लॉग देखते हैं आंटी, परसों बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए फोन नहीं उठाया पाए आंटी का, और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिला। अब आज करेंगे फोन आंटी के पास, बात करेगी मम्मी। इधर मेरी माता श्री रेडी हो चुकी है, एक बार दिखाना इन्हें। कौन कह दे कि हॉस्पिटल में जा रही है? हॉस्पिटल में जा रही हूँ मैं, वो कर क्या करते हैं, वो वीडियो भी तो बनानी है, वो आंटी ने बुला रखे है ना, क्या बोलते हैं ये सूट है ना काना फैशन की तरफ से आया था। हाँ तो गाइस किसी को भी लेना हो तो आप ले सकते हो, बहुत अच्छा सूट है काना फैशन की तरफ से। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हिसार के लिए, अभी स्कूटी पे जा रहे हैं, बस स्टैंड तक जाएंगे स्कूटी पे। आधे टाइम आ गए थे सुनील मामा जी, और उन्हें सीढ़ी लेके जानी थी, दिवाली की सफाई कर रहे हैं सारे, तो उनके घर पे सीढ़ी नहीं थी तो वो सीढ़ी लेके गए थे, और वो सीढ़ी ले गए। और दूध की तैयारी कर रहे हैं भैया, दूध की तैयारी पे लग रहे भाई सब, मैं भी लगूंगी अब। बस मैं इस बार तो मौसी के जाएंगे। अब मैं पूछा था तेरा सुनील मामा, हाँ अनु कहता के लेके आऊँ भैया दूध को। सुनील मामा ये पूछने आए थे कि तेरे लिए और तन्नु के लिए क्या लाऊं, क्योंकि आप पूछ के ले आता हूँ कि कोई चीज यूज में आ जाए, कि कभी मैं ले आऊँ और वो यूज में ना आए। मैं को नहीं लेके। हाँ तो अभी बस निकलते हैं, स्कूटी बस स्टैंड पे जाके खड़ी करते हैं, फिर वहां से बैठेंगे बस में। सारे आए थे सारे, डॉक्टर नहीं मिला, फिर जा रहे दोबारा से। वो तो शुक्र करो हिसार में कई घर हैं, तो और हमारी बहन का घर है उधर, रुकी रुकी बैठी हूँ मैं, पर है ना सिस्टम है थोड़ा बहुत है, अच्छा सिस्टम है।
तो फटाफट एक बार हो जाते हैं दवाई लेने के लिए, फिर जाएंगे बड़ी बहन के घर और फिर अपना आज घुमा घुमाई होएगी और सुबह जाएंगे अपने घर। स्कूटी मेरी खड़ी है, चौपट हो गया, स्कूटी खड़ी है मेरी बस स्टैंड, कभी चोरी ना हो जाए ये भी डर लग रहा है मुझे। तो उन्हें हमारा बैग वूग सब कुछ लगो के रख दिया, नूं बोली हमने पता, मैंने पता है तुम जाओगे। हाँ रात को फुल मस्ती नहीं। अभी कसीन कुछ ऐसे हॉस्पिटल से आए, हमें हो चुके हैं थोड़ी सी देर, आके बस खाना वगैरह खाया है, और मम्मी ने खाना खाना नहीं था तो मम्मी ने सिर्फ दलिया खाया है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोल दिया कल से। पता क्या हो रहा था, मम्मी के गले में ना दवाई वगैरह अटक रही थी, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल भी सुधार नहीं लग रहा है। मैं तो आज हम फिर से एक इंडेक्स को मतलब इंडेक्स कॉपी हुई और है ना छोटा सा अंदर से ना टुकड़ा सा निकाला है, तो वो रिपोर्ट आएगी सुबह, तो बस है ना वो नॉर्मल आ जाए रिपोर्ट, कुछ आए ना उस रिपोर्ट में, ये थोड़ी सीरियस सिचुएशन लग रही है। और डॉक्टर ने बात की थी, आंटी से बात की थी, मम्मी को मेरे को बाहर भेज दिया था, तो अभी देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या आएगा। आंटी भी उसके बाद मतलब हमारा ये था कि अगर लेट हो जाएंगे ना तो घूम वगैरह लेंगे, हमारा ये था, बट उसके बाद से मम्मी का मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ हो रहा है, कोई कहीं नहीं गया और अब दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना, मतलब पता नहीं, बस वो रिपोर्ट है ना सुबह नॉर्मल आ जाए सबसे अच्छी बात यही होगी। क्योंकि डॉक्टर का जो रिएक्शन था ना, वो कहते कि बिल्कुल भी मतलब इतनी दवाई लेने के बावजूद रेगुलर दवाई ले रही हैं तो है ना रिपोर्ट नॉर्मल आ जानी चाहिए थी, तो मतलब आ जाए रिपोर्ट नॉर्मल, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ दिमाग में, बिल्कुल है ना ये दिमाग ख़राब हो रहा है, हद क्या ही बताऊँ। बस मैं बुआ जी को भी मैंने कुछ नहीं बताया, सुबह रिपोर्ट आने के बाद बताऊंगी, बुआ जी को मैंने कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो भी टेंशन करके बैठ जाएंगे, वो तो वैसे ही रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, अगर फालतू में पता चल गया ना उन्हें कि ऐसे ऐसे कुछ बताया, वो तो वहीं रोना शुरू कर देंगे। तो अब सुबह देखते हैं, सुबह रिपोर्ट आएगी क्या आएगी फिर आपको बताऊँगी। अब मम्मी लेट रही है, बस दवाई वगैरह देती हूँ उनको, और बस भाई बस आप ये प्रे करो बस मम्मी की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, कुछ आए ना उस रिपोर्ट में, दवाई है ना पिंगला के ले लो, नहीं तो गले में फिर से अटक जाएंगे आपके। वो ओके गया ऐसा तन्नू, कल से दिक्कत हो रही है, कल से आपसे कुछ लिया ही नहीं जा रहा, अभी मैंने बस लिक्विड लिया है, कुछ खाया भी नहीं जा रहा ढंग से, पिंगला के ले लो वहाँ फिर से अटक जाएगी ये, सास ससुर रुकेगा। एक तो आप झटके से दवाई लेते हो, सारा नीचे गिरा दिया, ये क्यों अटक रही है इधर फिर से अटकी, अटक है तो बोला था मैंने पिंग ला के ले लो भाई, पिंग एक से ठीक हो जाएगी तन्नू, क्या ठीक हो जाएगी यार, नहीं क्या ठीक होगी क्या इतनी। गाइस बस आज की वीडियो का यही एंड करते हैं, अब जाएंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाके देखते हैं रिपोर्ट क्या आएगी। 10 बज चुके हैं और अब तक फ़ोन किया था डॉक्टर के पास, वो आएंगे थोड़ी देर में, तो हॉस्पिटल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, और जब रिपोर्ट आएगी तो बस अभी व्लॉग अपलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं नया व्लॉग रिपोर्ट जाके। अभी तो कह रहे हैं कि लैब वाला आया नहीं, डॉक्टर तो आ गया है, तो जाके बस रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, तो बस फटाफट से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाते हैं फिर उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताएंगे क्या रहा।